फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो एक ऐसी टीपीटी यूनिट है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के कंबाइंड है। और ये इसका जब कार्ड है, ये कंपनी का नाम है जो कि आपके इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड। ये जो सीटीपीटी यूनिट के बारे में पूरा डिटेल्स दिया गया है, इसका रोप वगैरह और कॉल वगैरह के बारे में इसमें सारे जानकारी दिया गया है। और देखिए, इसमें कुछ डिवाइस के बारे में मैं बता देता हूँ, इसका पार्ट्स के बारे में। ये जो देख रहे हैं रेड कलर का, ये पीआईडी है और ये N2 है, यानी कि नाइट्रोजन गैस, और पीआईडी मतलब प्रेशर रिलीफ डिवाइस है। और ये जो देख रहे हैं ये ऑयल गेज है, जो कि ऑयल लेवल इसमें बताता है। और ये जो देख रहे हो इसको लेबल बोलते हैं, जो RL, YL और BL, इससे इंडिकेट पता चलता है कि इसका जो इनपुट और आउटपुट सेक्शन क्या है। और ये जो देख रहे हो ये इसका सेकेंडरी टर्मिनल है, और ये सेकेंडरी टर्मिनल अंदर में सिटी है, और सिटी का सेकेंडरी टर्मिनल में इसमें तीन तीन टर्मिनल निकाला गया है, इसीलिए इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल जितने देख रहे हो वो 9 है। एक सिटी में तीन टर्मिनल है, और तीन टर्मिनल वाले सिटी क्या होते हैं वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप देख सकते हैं। और देखिए, ये जो देख रहे हो इसका बैक साइड में दिखा देता हूँ, जैसे कि RL, YL, BL दिखता, और इसमें इसका अलग अपोजिट है, जैसे कि BM, और ये जो देख रहे हो BM का लेबल है YM, और यहाँ पर देखिए RM, ऐसे से पता चलता है। और ये जो साइड है ये इसका इनपुट साइड है, और उसका जो आउटपुट साइड है। और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं ये मैंने ऑलरेडी इसका लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, इसका कनेक्शन क्या होता है, और ओवरऑली इसका मैं बता दूंगा इसका टेस्टिंग बारे में। और इसका ऑलरेडी एक 11 kV का टेस्टिंग कैसे करते हैं उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और ये वीडियो में मैं आपको इसका टेस्टिंग के बारे में, उसका प्रोसेस टू प्रोसेस में बताऊंगा, इसका एक्चुअली कैसे टेस्टिंग करते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो देख रहे हो ये 80 kV का सोर्स है, इसी से मैं ये ट्रांसफार्मर को सप्लाई दूंगा, और सप्लाई देके कैसे सप्लाई देते हैं वो सब मैं टेस्ट करके मैं आपको ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये ट्रांसफार्मर ओवरलेयर कंप्लीट होने के बाद इसका जो सील कैसे लगाया जाता है। और ये जो देख रहे हो ये इसका सील है, जो कि कंपनी देती है। और ये जो सीरियल नंबर जो पेपर में जो देख रहे हो ये सीरियल नंबर है, उसी सीरियल नंबर से पर्टिकुलरली किसी ट्रांसफार्मर को किसी सीरियल नंबर से लगाना होता है, वो सब देखना पड़ता है, वो देख के उसी सीरियल नंबर के हिसाब से इसमें सील लगाया जाता है। चलिए मैं आपको और भी इसका सील कैसे लगाते हैं, इसका लॉक कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो सील किस तरह लगाया जा रहा है, ये जो बोल्ट देख रहे हो, बोल्ट में एक होल होता है, होल में ये सील को डाला जाता है, और सील में भी एक होल होता है। देखिए ये वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह डाला जाता है। देखिए इसमें डालने के बाद ये जो ऊपर वाला जो लॉक होता है इसको इसमें घुसा के प्रेस कर देते हैं, उसमें एक आवाज़ आता है, टक से आवाज़ आता है, उसमें पता चल जाता है कि ये सील लॉक हो गया। इसी तरह इसको लॉक करते हैं। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा मार्शलिंग बॉक्स के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, और जब मैं कनेक्शन बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो सीटीपीटी यूनिट की मार्शलिंग बॉक्स है, सीटीपीटी यूनिट में जो भी आउटपुट टर्मिनल होते हैं उसी हिसाब से ये जो मार्शलिंग बॉक्स की लेबलिंग किए गए हैं, जैसे कि 1S1, 1S2, ऑक्सिलरी 1S3, 1S4, उसी हिसाब से इसमें लेबलिंग किए गए हैं। और चलिए फ्रेंड्स, इसका टेस्टिंग के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेस्टिंग के वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसको डायग्राम करके मैं आपको समझाया हूँ, ये बहुत तरीके से आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। उसका अलग से 11 kV की कैसे टेस्टिंग करते हैं उसका वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसका ऊपर क्लिक करके वो प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो ये सीटीपीटी यूनिट है, सीटीपीटी यूनिट मतलब करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों कंबाइंड है। और ये जो है ये 33 kV की ट्रांसफार्मर है, और मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा प्राइमरी इंजेक्शन ट्रांसफार्मर है, जो कि 80 kV सोर्स है, इसी से हम सोर्स देंगे। और ये जो देख रहे हो ये पैनल बोर्ड है, बस आपको दिखाने के लिए, जानकारी के लिए मैंने आपको इसी तरह से बनाए रखा हूँ। और ये जो देख रहे हो ये घेरिया के, और इसमें एक पैनल बोर्ड में एक ये जो किलो वोल्ट की मीटर लगी हुई है, और एक एम्पियर मीटर लगी हुई है, और ये सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर है, जो कि 80 kV इसका आउटपुट मैक्सिमम रेंज है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ और एक बार इसका टेस्टिंग के बारे में बता देता हूँ। और ये जो देख रहे हो ये तीनों बुशिंग है, तीनों बुशिंग में इसमें और एक बैक साइड में है, इसका फ्रंट व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको तीनों बुशिंग दिख रहा है।
और इसमें ये जो देख रहे हो ये दो दो यानी कि दो चार छः टर्मिनल है। एक एक सिटी में किसी में दो टर्मिनल होती है और किसी में तीनों टर्मिनल है। तीनों टर्मिनल वाले सिटी क्या होती है मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ और इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे रखा हूँ, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए इसमें देखिए इसका जो सिटी है सिटी में दो टर्मिनल होती है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि दिनोबसिंग में क्या है तीनों सिटी है और तीनों सिटी में आउटपुट में ये दो दो चार दो छः टर्मिनल है और ये जो चार टर्मिनल देख रहे हो ये पीटी के लिए है और पीटी के लिए भी अलग से वीडियो मैंने बना रखा हूँ, उसका लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हैं। और उसका पीटी में क्या है, पीटी तीनों पेज है जैसे कि आर वाई पी और ये न्यूट्रल पॉइंट है। ये सबको क्या करना है, टेस्टिंग करने से पहले इसका मेन फंक्शन ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया था ये वाला जो टर्मिनल है ये टर्मिनल सिटी का कैसे होती है, चलिए मैं इसे टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये जो देख रहे हो ये एक एक सिटी है, ये सिटी में दो दो यानी कि ये प्राइमरी रोप है और ये सेकेंडरी के लिए। जैसे कि मैंने दिखाया था ये जो बुशिंग देख रहे हो बुशिंग में कैसे लगी होती है, इसमें ये जो दो रोप होती है ये दो रोप में इधर एक बुशिंग इधर एक बुशिंग यानी कि ये एक बुशिंग है और इसके बैक साइड में एक बुशिंग होती है यानी कि इसमें तीन सिटी है और इसमें तीनों और बैक साइड में तीनों बुशिंग है, इसमें छः बुशिंग लगाया जाता है। और ये जो टर्मिनल आप देख रहे हो 1S1-2, 2S1-2S2, 2S1-3S2 इसमें नंबरिंग की जाती है जो कि इसमें मैंने जैसे बताया था कि दो बुशिंग और जो एक सिटी में दो दो इसमें जो टर्मिनल होती है और ये उसी के टर्मिनल पॉइंट है। पहले मैं आपको इसका टेस्टिंग बारे में बता देता हूँ कैसे टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले इसको टेस्टिंग करने से पहले आपको ये जो जितने भी टर्मिनल है ये सारे टर्मिनल को आपको शॉर्ट करना पड़ता है। ये सारे टर्मिनल को शॉर्ट करके आपको यहाँ पर जो अर्थिंग दिख रहे हो इसमें ग्राउंड में लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसमें जितने भी बुशिंग है बुशिंग में ये जो देख रहे हो ये ब्रास या कॉपर भी स्टार्ट भी हो सकता है। मैं आपको आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है और इसका टोटल असेंबली कैसे किया जाता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि इसमें इसका बैक साइड में एक एक बुशिंग है, इसको सारे बुशिंग को ये जो बुशिंग में जो स्टॉट लगी होती है उसको सारे ऐसे पूरा स्टॉट जो शॉर्ट करना है क्योंकि अगर शॉर्ट करोगे तो एक बार में इसका टेस्टिंग हो जाता है। ये शॉर्ट करके आप इसमें लगा दिया, लगाने के बाद देखिए ये जो है इसे शॉर्ट करके आप इसको अर्थिंग में लगा दिया है। अर्थिंग इसमें लगाने से कुछ नहीं होता, फिर इसमें और एक अर्थिंग इसमें जो लगी होती है ये अर्थिंग के साथ इसको प्रॉपर अर्थिंग करना पड़ता है। अलग से बॉडी में लगाने से कुछ भी नहीं होता है और ये जो ट्रांसफार्मर के साथ अर्थिंग ऑलरेडी की हुई है, नहीं तो अर्थिंग का एक्स्ट्रा वायर ला के इसमें आप लगा सकते हो और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जरूरी है, अगर इसमें आप लगाओगे नहीं अगर इसमें खुला छोड़ दोगे ना ये आपका वाइंडिंग जल जाएगा और ये ब्लास्ट होने का चांसेस है। ऐसे ये क्रीड में हुआ था क्योंकि उसमें जो रिसर्च से पता चला क्योंकि और उसका जो सेकेंडरी टर्मिनल तो ओपन था इसीलिए जो क्रीड में ये ब्लास्ट कर गया था, इसलिए आपको ये कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। चाहे अगर इसमें आप ऐसी हाई वोल्टेज टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको ऐसे बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है और ये ज़्यादातर मीटरिंग के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें मीटरिंग बेस के लिए लगी होती है और ये जो सीटीपीटी में यूनिट में सिर्फ ये जो ऊपर में दो दो पॉइंट जो भी होती है वो मीटरिंग के लिए कनेक्शन की जाती है ग्रिड में। अगर मीटरिंग के लिए कनेक्शन नहीं होते तो आपको ये शॉर्ट करना पड़ता है। और ये जो हाई वोल्टेज इसमें देखिए इसमें कनेक्शन हो गया, कनेक्शन होने के बाद यहाँ पर वेरियाक है, वेरियाक आपको जो जीरो से धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे कि मैंने ये जो है 70 kV और 70 kV में ये जो सॉरी ये जो 33 kV ट्रांसफार्मर है 33 kV में आपको 70 kV की सप्लाई देनी है। जैसे मैंने बताया था ये 33 kV है उनके भी की ट्रांसफार्मर है 33 kV में आपको 70 kV की सप्लाई देनी है। ये जो है 80 kV इसका मैक्सिमम रेंज है, ये आपको 70 kV इसमें सप्लाई देना पड़ता है और 11 kV में आपको 22 kV देना पड़ता है और 66 kV में आपको 140 kV और 132 kV में 275 kV है। और जैसे कि मैंने बताया था ये जो 80 kV इसका मैक्सिमम रेंज है और जब भी इसका जो बड़ी वाली जैसे कि बड़ा वाला ट्रांसफार्मर इसमें बनता है उसे अलग से ऐसे वाला पावर सप्लाई होता है और उसे 132 नहीं उसमें 800 तक रेंज है, इसका 80 नहीं उसका जो 800 तक रेंज है 800 में
175 तक उसमें सॉरी 275 तक उसमें सप्लाई दिया जाता है जो कि 132 के भी ट्रांसफार्मर में। इसी तरह इसका टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग में आपको जब भी ये धीरे धीरे यूज फेरिया के जब भी धीरे धीरे इसका इसको इंक्रीज करोगे इसका जो आउटपुट में इसमें धीरे धीरे सप्लाई जाएगा। आपको ग्रेजुअली बढ़ाना है ना कि सडनली आपको बढ़ाना है। अगर इसका जो इंसुलेशन वैल्यू होता है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये जो हाई वोल्टेज में आपको क्या चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो देख रहे हो ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो देख रहे हो ये एक टैंक है, टैंक के अंदर क्या होती है सिटी कॉल होती है और पीटीवी कॉल होती है, इसका कनेक्शन भी किया जाता है और इसको ये जो सेकेंडरी को इसके साथ अर्थ करते हैं और अर्थ में इसको अर्थिंग लगाया जाता है और ऊपर से इसका सप्लाई दिया जाता है। और इसमें क्या होता है देखिए ये जो टैंक देख रहे हो टैंक और इसका अंदर जो कॉइल होती है उसके बीच का जो इंसुलेशन इसको चेक करते हैं। ये इसका प्राइमरी टेस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे होने से पहले इसका मेगर भी चेक करते हैं, अगर मेगर ठीक ठाक आता है और 10 मेगा ओम या फिर 1 गीगा ओम आता है तो उसके बाद ये हाई वोल्टेज चेक करते हैं, नहीं तो इसका कॉइल जल जाता है। इसका कॉइल कैसे जलता है और इसका फॉल्ट क्या होता है और फॉल्टी ट्रांसफार्मर और जो HP फेल वाला ट्रांसफार्मर उसका ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा मेरा चैनल पे, जाके विजिट करके देखिए। और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वो सब जाके चेक कर सकते हैं। ये इसका मेन पॉइंट है। मैंने तो इसका हाई वोल्टेज टेस्टिंग कैसे करते हैं मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया हूँ, और हाई वोल्टेज टेस्टिंग इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा हूँ, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें क्लिक करके उसका वीडियो भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली कैसे इसका हाई वोल्टेज टेस्टिंग हो रहा है। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये कहाँ यूज करते हैं, खाली ओवरऑली इसका कनेक्शन मैं दिखा देता हूँ और आपको नेक्स्ट में बताऊँगा और जो डेड टैंक और जो लाइव टैंक सिटी वो भी कैसे कनेक्शन करते हैं मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। देखिए अगर ये ग्रिड लाइन में आया है और आने के बाद इसमें देखिए मैंने जैसे कि बताया था 6 बुशिंग वाली ट्रांसफार्मर है और ये इसका सेकेंडरी पॉइंट, मतलब ये वाला जो देख रहे हो ये इसका सेकेंडरी पॉइंट है। इसमें इनपुट है और आउटपुट है। देखिए जैसे कि इसमें फेज इनपुट हो रहा है, तीनों फेज इनपुट होने के बाद ये भी सीधा आता है, इसमें इनपुट होता है और इसमें आउटपुट कर जाता है। जैसे कि मैंने इसमें दिखाया था तो ये प्राइमरी रोप है, इसमें ये इसका फिजिकली टच नहीं है और इसका मैग्नेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इसमें फ्लक्स जनरेट होके इसमें सप्लाई आता है और इसमें करंट की जनरेट हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया था ग्रिड में ये साइड इनपुट है और एक साइड आउटपुट होती है। और भी इसका बहुत सारा टेस्टिंग होता है, ये ट्रांसफार्मर का बहुत सारा कनेक्शन और टेस्टिंग होता है, मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगा इसमें एक्चुअली क्या क्या टेस्टिंग होता है और क्या क्या इसमें बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, कहाँ ये ट्रांसफार्मर कनेक्शन किया जाता है, इस सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।